दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जिन लोगों के पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से इन्वॉल्व हैं, यानी कि किसी और से प्यार करने लगे हैं और आपको भुला चुके हैं या आपको धोखा दे चुके हैं। अगर अक्टूबर 2020 से लेकर के अभी तक आपको लगता है कि आपके पार्टनर किसी और व्यक्ति से कनेक्ट हो चुके हैं, आपको भुला चुके हैं या आपको धोखा दे रहे हैं या दे देंगे, ऐसा लगता है या दे चुके हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्या उन्हें भी धोखा मिलेगा। जिस व्यक्ति पे वो इतना मर मिटने की कसमें खा रहे हैं, वो अभी आपको छोड़ करके, आपका सच्चा प्यार छोड़ करके, आपकी इतनी ईमानदारी प्यार की उसे छोड़ करके दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट हो चुके हैं, दूसरे व्यक्ति से प्यार करने लगे हैं, क्या वो उन्हें धोखा देंगे या उन्हें उससे धोखा मिलेगा, इसके बारे में आज की रीडिंग होगी। हम आपको बताएंगे कि आप अपने पार्टनर की राशि चुनिए, 12 राशियों के बारे में बताएंगे। अगर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जिस राशि का पार्टनर आपका है, तो उसके साथ में क्या होगा, क्या वो आपका जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी को छोड़ देगा, उससे भी आपकी तरह धोखा दे देगा या उससे भी धोखा मिलेगा, क्या पता वो उस व्यक्ति से टाइम पास कर रहा है और आपसे सच्चा प्यार करता था, आपसे अभी भी वो कनेक्ट है। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि आपसे अभी भी बात करता है, तो आपसे प्यार करता है, आपको लगता है कि मुझसे तो पूरा प्यार करता है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी है जो कहीं ना कहीं मेरी जगह लेना चाहती है, कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा है, कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा है, कुछ और लोग ऐसे हैं जो हमें उसकी लाइफ से निकालना चाहते हैं, तो आखिर हम जानेंगे कि आखिर आपके पार्टनर जो हैं वो उस व्यक्ति को छोड़ देंगे, आपको अपनाएंगे, या फिर वो उस व्यक्ति के साथ में एक तरह से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे और धोखा खाएंगे, इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, यह जो रीडिंग है ये केवल और केवल चंद्र राशि के आधार पर है। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है, मून साइन पता नहीं है, तब आप इसे नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अगर आपका पार्टनर मेष राशि का था, ये सभी के लिए है, आपके बस अपने पार्टनर की अपनी राशि चुनिए आप। अगर आपका पार्टनर मेष राशि का था, तो अभी वो जिसके साथ में, थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्व है, केवल ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो जिनके कहीं ना कहीं ऐसे स्थितियों में अभी फंसे हुए हैं, जो थर्ड पार्टी इत्यादि इन्वॉल्व है, कोई तीसरा व्यक्ति है उनकी लाइफ में, तो यहाँ पर अगर मेष राशि का पार्टनर है, तो आप मान लीजिए कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं धोखा खाने वाला है। आपका मेष राशि का पार्टनर अगर था और वो किसी से कनेक्ट है, तो वो बहुत जल्दी ही, और मैं आपको डेट बता रहा हूँ, डेट बताता हूँ कि किस डेट के अंदर, लगभग मैं कुछ दिन बताऊँगा, उस दिनों के अंदर वो व्यक्ति उन्हें छोड़ देगा या वो धोखा खाएगा। दोनों तरह की बातें हो सकती हैं, यहाँ पर खास करके वो धोखा खाएगा, वो जिससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, जिससे अभी बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा है, वो आप उससे ज़्यादा प्यार होने लगा है, यहाँ पर कुछ दिनों में उसके दिल के अरमान टूटने वाले हैं। क्या है मेष राशि के लिए ये डेट, क्या है मेष राशि का अगर पार्टनर है, तो खास करके 10 मार्च से लेकर के 25 मार्च का समय ऐसा रहेगा, जिसमें 2021 में 10 मार्च से लेकर 25 मार्च तक, जिसमें बड़ा धोखा या वहां से कनेक्शन कट जाएगा। ये हो गई मेष राशि वालों की बात, मेष राशि के जिसके पार्टनर हैं। अगर हम बात करते हैं वृषभ राशि के पार्टनर आपके थे या हैं, तो उनके साथ में क्या होने वाला है, थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धोखा वृषभ राशि को भी देने वाली है, और बहुत जल्दी देने वाली है। 21 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के बीच का समय 2021 में ऐसा रहेगा, जिसमें वो थर्ड पार्टी इन्हें छोड़ देगी, जिन पर इन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा हो रहा है, वृषभ राशि के पार्टनर जो आपके थे, आपको जो धोखा दे चुके हैं, जो छोड़ चुके हैं आपको, वो किसी तीसरे व्यक्ति से जो कनेक्ट हैं, जो उनका प्यार और बहुत सम्मान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग अटैच है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो ऐसे में वो उन्हें छोड़ देंगे या वो खुद धोखा खाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरी राशि के पार्टनर यानी कि मिथुन राशि के पार्टनर आपके हैं, तो क्या स्थितियाँ रहेंगी।
अगर मिथुन राशि के पार्टनर थे, मिथुन राशि के पार्टनर हैं, मिथुन राशि के पार्टनर आपके थे और उन्होंने आपको धोखा दिया है, तो यहाँ पर आप यकीन मानिए आपका जो पार्टनर है वो आपसे बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार अभी भी करता है, वो आपको छोड़ कर गया है, तो उसकी वजह है केवल और केवल तंत्र क्रिया या नेगेटिविटी। उसके दिमाग में इतने नकारात्मक विचार भर चुके हैं कि वो थर्ड पार्टी के द्वारा किए गए हैं, इसीलिए वो उधर खिंचाव उसका उधर हो रहा है। लेकिन खासकर 6 महीने तक ज़्यादातर तंत्र का प्रभाव रहता है, तो वो नेगेटिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो जब से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्व हुए हैं, तो तब से लेकर के 6 महीने के अंदर वो आपकी लाइफ में पुनः वापस आ जाएंगे। वो ना तो उनसे कोई प्यार करते हैं, ना कोई उनकी तरफ उनका कोई ध्यान है, वो ध्यान खींचने का काम किसी थर्ड पार्टी ने किया है। अगर हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की, कर्क राशि वालों आपके कर्क राशि का पार्टनर अगर था, कर्क राशि का अगर पार्टनर आपका था, तो निश्चित ही आप देखेंगे कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार करता है और अभी भी करता है, लेकिन वो पार्टनर आपको कहीं ना कहीं खोना नहीं चाहता है। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ अगर इन्वॉल्व हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है, वहाँ पर कुछ नहीं। और उस व्यक्ति से, थर्ड पार्टी का जो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा लगाव भी उसके साथ में नहीं है, तो आपके पार्टनर आपके पास में वापस आने की संभावनाएं अधिक मात्रा में बन जाती हैं, और खास करके ये मार्च के महीने में पूरी तरह से बन जाती हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सिंह राशि का अगर पार्टनर था आपका, तो क्या स्थितियां रहेंगी। सिंह राशि का अगर पार्टनर था, तो खास करके स्थितियां ये हो जाती हैं कि आपके लिए बहुत हद तक ये संभावनाएं बनती हैं कि वो व्यक्ति अभी फिलहाल में एक तरह से टाइम पास कर रहा है और वहाँ पर उसकी कोई भी फीलिंग अटैच नहीं है थर्ड पार्टी के साथ में, और वो आपकी लाइफ में पुनः वापसी करने की संभावनाएं बताता है, और वो निश्चित ही आपकी लाइफ में अभी भी कनेक्ट है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। इस वजह से ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, थर्ड पार्टी कंफ्यूजन में डाल रखा है उसे, और बहुत सारी शर्तों के साथ में वो वहाँ पर फंसा हुआ है, ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, वो वहां पर फंस चुका है। तो यहां पर सिंह राशि के पार्टनर आपकी लाइफ में ज्यादातर, जो अगर सिंह राशि के पार्टनर थे, तो आपकी लाइफ में पुनः वापसी करेंगे। अब दोस्तों, अगर कन्या राशि का पार्टनर था आपका, तो क्या स्थितियां रहेंगी। अगर कन्या राशि का पार्टनर था, तो कन्या राशि का पार्टनर आपको बहुत ज्यादा अभी भी प्यार करता है, लेकिन अगर वो किसी के साथ में अट्रैक्ट हुआ है, तो अट्रैक्शन उसका खास करके 15-20 दिन के बाद ही खत्म होने लग जाएगा, यानी कि आपका पार्टनर अब कुछ ही दिनों बाद आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, कन्या राशि का अगर पार्टनर था तो। थोड़ा यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि जब कन्या राशि का पार्टनर आपकी लाइफ में वापस करेगा, तो बहुत हद तक चिड़चिड़ा स्वभाव लेकर आएगा, क्योंकि वहाँ पर भी वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी या नकारात्मकता उसके अंदर बहुत ज़्यादा घुस गई है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच रहा है वो व्यक्ति। अगर हम बात करते हैं तुला राशि का अगर आपका पार्टनर था और थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, तो खास करके स्थितियां ये बन जाती हैं कि बहुत मात्रा में वो एक तरह से उससे प्रभावित हो गया है, थर्ड पार्टी से उसे धोखा मिलने की संभावनाएं भी नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ में वो बहुत ज़्यादा अटैच हो गया है और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, इसीलिए वो अपना फ्यूचर वहाँ पर, अगर तुला राशि का पार्टनर आपका था, तो वो अपना फ्यूचर वहाँ पर देख रहा है, उससे शादी करने के सपने देख रहा है। तो ऐसे में संभावनाएं ये बनती हैं कि उसे धोखा मिलने के चांस कम हैं। अगर हम बात करते हैं वृश्चिक राशि का पार्टनर था, तो क्या स्थितियां रहेंगी। अगर वृश्चिक राशि का पार्टनर था, तो खास करके स्थितियां ये बन जाती हैं कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, और थर्ड पार्टी के साथ बातचीत करने के बाद में भी वहाँ पर उसकी दिलचस्पी ना हो, लगाव ना हो, और एक तरह से कुछ आपके ही ख्यालों में खोया रहे। हो सकता है कि कुछ जल्दी करने की कोशिश करे, कुछ ऐसा करने की कोशिश करे जिससे आपसे फिर से उसकी वही स्थिति बन जाए जो थी, पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाए, लेकिन सारे हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपके रास्ते जो हैं वो खोल नहीं पाएंगे, तो इसलिए
थर्ड पार्टी जो है वो एक तरह से वहां पर आने नहीं देगी, कुछ भी करके वृश्चिक राशि के पार्टनर को आपसे मिलने नहीं देगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपसे मिलने के लिए रोकेंगे, अगर वृश्चिक राशि का पार्टनर आपका था या है तो बहुत हद तक परेशानियां बन जाएंगी। थर्ड पार्टी से धोखा इत्यादि की संभावनाएं तो पूरी तरह से बनी हुई हैं। अगर बात करते हैं धनु राशि का पार्टनर था आपका तो क्या स्थितियां बनती हैं, धनु राशि का पार्टनर था तो काफी हद तक स्थितियां ये बन जाती हैं कि आप उसकी याद बहुत ज्यादा करेंगे लेकिन उन्हें आपकी परवाह नहीं है, उन्हें किसी की भी परवाह नहीं है, अभी उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, वो थर्ड पार्टी के साथ इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं, लेकिन धोखा खाएंगे और बुरी तरह धोखा खाएंगे। ये धोखा जो होगा वो थोड़ा लेट होगा, जब इनकी दिलचस्पी और इनका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये पूरी तरह से उसके आदी हो जाएंगे, तब इनके साथ में धोखा होगा और धोखे का जो समय होगा वो सितंबर 2021 का रहेगा। अगर हम बात करते हैं मकर राशि का पार्टनर है, मकर राशि का पार्टनर था, थर्ड पार्टी से इन्वॉल्व है तो क्या स्थितियां रहेंगी। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश तो करेगी, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे भी बात करना चाहते हों और उनसे भी बात करना चाहते हों। खास करके स्थितियां ये हैं कि एक तरह से वो उसे टाइम पास समझते हैं थर्ड पार्टी को, और वो ये चाहते हैं कि आप उनसे प्यार करती रहें, करते रहें, जैसे करते थे, वो उधर टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं, अगर मकर राशि का पार्टनर था तो खास करके यहाँ पर धोखे इत्यादि की गुंजाइश तो नहीं है, बल्कि आपके पार्टनर ही उसे धोखा देंगे, ऐसी स्थितियाँ ज़्यादा हैं। अगर हम बात करते हैं कुंभ राशि का पार्टनर आपका था या है तो क्या स्थितियाँ रहेंगी, थर्ड पार्टी के साथ में बहुत ज़्यादा एक तरह से किसी स्वार्थवश उनसे लगाव रखें, स्वार्थवश उनसे प्यार करें, कुछ ऐसे स्वार्थ हों जिस वजह से उनकी शर्तें वो मान रहे हैं, उनकी तरफ खिंचाव है। कुंभ राशि का पार्टनर था तो काफी कुछ मजबूरियां या कुछ खिंचाव या कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, खास करके कि वो उधर मजबूरी में फंसे हुए हैं, लेकिन मजबूरी और स्वार्थ कुछ ना कुछ फायदा उस वजह से भी फंसे हुए हैं। और दूसरी बात यहां पर यह भी बहुत बड़ी बात निकल के आती है कि अगर कुंभ राशि के पार्टनर आपके थे तो वो कहीं ना कहीं आपको धोखा देना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके शक करने के व्यवहार से वो आपसे दूर होते जा रहे हैं, आप ज्यादा उन पे सवाल जवाब करते हैं इसलिए भी आपसे वो दूर होते जा रहे हैं। और अगर बात की जाए कि धोखे की, तो उन्हें धोखा तो खास करके मिलने वाला है, लेकिन वो धोखा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस धोखे से, क्योंकि उन्हें भी कोई इतनी ज्यादा दिलचस्पी उसमें है नहीं, तो धोखा तो मिलेगा लेकिन थोड़ा लेट मिलेगा, खास करके अगस्त 2021 में मिलेगा। अगर देखा जाए तो यहां पर मीन राशि की बात करें तो मीन राशि का अगर पार्टनर था तो काफी हद तक संभावनाएं ये बन जाती हैं दोस्तों कि यहां पर आपके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्व हैं और उनसे अपना फ्यूचर देख रहे हैं, शादी करने की कहीं ना कहीं संभावनाएं बना रहे हैं। अगर आपके पार्टनर मीन राशि के हैं तो संभावनाएं ये हैं कि आपकी लाइफ में वापस आने की संभावनाएं भी बिल्कुल भी नहीं हैं, वो अपनी शादी की कहीं ना कहीं शादी के लिए ज़्यादा विचार विमर्श कर रहे हैं, इसलिए वो शादी करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं। ये आपके लिए थी स्थितियां। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही टॉपिक चाहते हैं, और अगर हमें भी कोई अपना टॉपिक देना चाहते हैं, कोई बात बताना चाहते हैं, कोई इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ ऐसा कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कहें, और अगर आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। वैसे कुछ दिनों बाद में मैं दोस्तों आपको उपाय देने वाला हूँ, आपको पूछा भी था, तो अब लव रेमेडी, लव जो रीडिंग करते हैं उसमें तो हम उपाय नहीं बताते हैं, लेकिन अलग से लव रेमेडी, लव उपाय आपको आपके रिलेशनशिप को सही करने के लिए उपाय बताना जल्दी ही प्रारंभ कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग अपने जो नोटिफिकेशन बेल है यानी कि बेल आइकन उसे जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसी से नोटिफिकेशन मिलते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। दोस्तों इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर लाइव मुलाकात होगी बहुत जल्दी ही। बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।